अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 86। और आज के इस लेसन में हम व्यू टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्यू टूल्स क्या होते हैं, प्लेटर्स क्या होते हैं एंड इंटरफेस क्या होते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि व्यू में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। ओके, और यहाँ से मैं इसको एस डब्ल्यू एस मैट्रिक व्यू में आता हूँ और इसको अपनी ओरिजिन पॉइंट में, यू सी एस आइकन को अपनी ओरिजिन पॉइंट में लाने के लिए यू सी एंटर एंड डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके, अब आज हम व्यू के ऊपर डिस्कस करते हैं। व्यू हमारे पास यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास व्यू टैब है और इसमें क्या क्या काम होता है। सबसे पहले यू सी एस आइकन को अपने हाइड करना है तो आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यू पोर्ट टूल्स हैं और इनमें क्या है, शो है और शो मोशंस पे क्लिक करें। तो ये जब हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप अगर कोई मोशंस वगैरह दे रहे हैं तो उस पर ये काम करता है। यू सी एस आइकन में मैं क्लिक करता हूँ तो देखें, यू सी एस आइकन मेरे पास यहाँ पे जो था वो हाइड हो गया। इसे वापस लाने के लिए मैं यू सी एस आइकन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये वापस आ जाएगा। व्यू क्यूब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हाइड करने के लिए मैं व्यू क्यूब पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ से हाइड हो गया। वापस लाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें तब भी वापस आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखें व्यू क्यूब का यहाँ पे टैब बना हुआ है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी, यहाँ से वापस आ जाएगा। नेविगेशन बार यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये नेविगेशन बार होती हैं और जिनमें आप यहाँ से एक तो नेविगेशन आप काम कर सकते हैं, उसके अलावा आपने इसमें जूमिंग करनी है, अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है, उसके अलावा ऑर्बिट्स का यूज करना है और शो मोशंस, मीन आप शो मोशन आपका होता है जब आप यहाँ पे कैमराज वगैरह या एनिमेटेड कैमराज वगैरह आप अपने ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ करते हो, इंसर्ट करते हो, लगाते हो, तो उस टाइम ये हमारे पास शो मोशन काम करता है। तो कैमराज के ऊपर हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको इसके बारे में बताऊंगा इसका फंक्शन क्या है। तो इसको हाइड करने के लिए आप यहाँ पे नेविगेशन पे क्लिक करोगे, नेविगेशन बार यहाँ पे हाइड हो जाएगी। टूल प्लेटर्स जो होता है, इसमें काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, प्लेटर्स होते हैं जिसमें आपके फर्ज आपके रेंडरिंग के टूल होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसमें उसके अलावा इलेक्ट्रिकल के टूल्स आ जाते हैं, सिंबल्स वगैरह आ जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा अगर आपने कोई मटेरियल वगैरह अप्लाई करना है अपने ऑब्जेक्ट पे तो मटेरियल वगैरह भी यहाँ पे होते हैं, तो वो हमारे पास टूल प्लेटर्स में होते हैं। तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें टूल प्लेटर्स आ गया। और टूल प्लेटर्स में आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल के कुछ सिंबल्स बने हुए, आप देख सकते हैं। आप मैकेनिकल के सिंबल्स में देखें हमारे पास रोलिंग बेयरिंग्स हैं, क्लिक करें इस पर। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लेके जाएं तो आप देखें यहाँ पे आपके पास एक रोलिंग बेयरिंग का ऑप्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रा हो गया, देख सकते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं, आप खुद बना भी सकते हैं, इसमें इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप ले भी सकते हैं सिंबल। और उसके अलावा यहाँ पे देखें एनवेयर्स हैं, आर्किटेक्चर है, मैकेनिकल के सिंबल हैं, इलेक्ट्रिकल के सिंबल्स पड़े हुए हैं। तो नॉर्मल से कुछ थोड़े से सिंबल्स यहाँ पे पड़े हुए होते हैं, जिस तरह हमारे पास देखें पायलट लाइट है, पायलट लाइट एम्पीरियल है और यहाँ पे आप इसको साइज देखोगे कर दें यहाँ पे तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक पायलट लाइट आ गया, देख सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, क्लोज। तो ये कुछ सिंबल थोड़े थोड़े हमारे पास सिंबल होते हैं। इसके अलावा सिविल के हैं, सिविल के डोर्स के आपने सिंबल लेने हैं, 2D ड्राइंग्स के लिए यूज होते हैं। तो ये सारे के सारे सिंबल सिर्फ और सिर्फ 2D ड्राइंग्स के लिए यूज होते हैं। स्ट्रक्चर है, हैचेज हैं, यहाँ पे देखें अपने हैच अप्लाई करना है, यहाँ पे आप ले ला सकते हैं। तो ये हमारे पास टूल प्लेटर्स है तो यहाँ से आप इस पर काम कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर राइट क्लिक करें यहाँ पे या फिर इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप सेटिंग्स पे क्लिक करके देखें इसमें आप और भी 3D मेकर्स हैं, टैबलेट्स हैं, टेबल्स हैं, लेडर्स हैं और ये काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ये बटन है यहाँ पे इसका छोटा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो हाइड हो जाएगा। तो आपको आप इसको किसी भी लोकेशन में रखें, रखने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ या फिर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको हम मूव भी कर सकते हैं वर्टिकल भी। उसका क्या तरीका है, मूव पे क्लिक करता हूँ, मूव भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको रखा, रखने के बाद आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हाइड हो गया। वापस लाने तो क्लिक करें वापस आ जाएगा। तो आप इसको लेके कहीं भी किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं। उसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, देखिए प्रॉपर्टी बार यहाँ पे आ जाते हैं। किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी आप लाना चाहे तो आप ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन है तो मैं यहाँ पे लाइन एंटर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लाइन एंटर करता हूँ तो इस लाइन पे जब डबल क्लिक करूंगा मैं तो इस लाइन की प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन होगी, आप देख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे क्लिक करके आप कंप्लीट प्रॉपर्टी ला सकते हैं। लाइन टाइप है, अभी हमने लाइन ड्रॉ किया तो आपको देखें यहाँ पे बता रहे हैं लाइन है,
लाइन टाइप है, लाइन का साइज कितना है, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी से ये चेंज भी कर सकते हैं। बाय लेयर्स है, ट्रांसपेरेंसी है इसकी, थिकनेस कितनी है, थिकनेस बढ़ाना चाहिए थिकनेस बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा लाइन की टाइप आपने चेंज करनी है, आप लाइन की टाइप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और लाइन टाइप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देता हूँ 5, इसकी लाइन की टाइप्स आप यहाँ पे इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, इसके हर चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमारे पास लाइन की आ गई। प्रॉपर्टी के बाद है हमारे पास यहाँ पे देखें शीट है हमारे पास। तो ये शीट जो होती है ये ओपन और क्लोज द शीट सेट मैनेजर। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस ये हमारे पास एक शीट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इस शीट को ओपन या क्लोज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे यूज़ किया जाता है, या फिर आपकी शीट में मॉडिफिकेशन करने के लिए, शीट को सामने लाने के लिए, और इस शीट के ऊपर जितना भी काम होता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जब हम काम करेंगे तब आपको क्लियर समझ आ जाएगी इसका फंक्शन क्या है। उसके बाद हमारे पास देखिए कमांड लाइन है, नीचे आपको कमांड बार नज़र आ रही होगी, क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगी। आप यहाँ से कह रहे हैं कि आप इसको हाइड करना चाह रहे हैं, यस, तो यस हो जाएगा, लेकिन मैं इसको नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, नो। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें लेयर्स प्रॉपर्टी पे क्लिक करें तो लेयर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगी, वापस सामने आ जाती है, देख सकते हैं। तो कंप्लीट लेयर्स प्रॉपर्टी है, तो इसके ऊपर हमने काम भी किया था लेयर्स के ऊपर। और उसके अलावा यहाँ पे व्यू में लेयर्स प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे आपके पास देखे नजर आ रहा होगा डिजाइन सेंटर है, क्लिक करेंगे डिजाइन सेंटर हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या कौन से फंड्स हैं देखें, यहाँ पे एक्सप्रेस है, और यहाँ पे सिंबल्स पड़े हुए हैं, सेटअप्स है इसका ऑटो कैड किस कंप्लीट सेटअप्स है, और कंप्लीट इसके बारे में डिजाइन्स में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं। और उसके बाद है यहाँ पे आपके पास देखिए मार्कअप सेट मैनेजर है, क्लिक करेंगे मार्कअप सेट मैनेजर ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। कैलकुलेटर है, क्विक कैलकुलेटर भी क्लिक करें तो आपके पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे काम करते वक्त आपने अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशंस को करना है किसी भी चीज़ को आपने कैलकुलेट करना है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी हम काम करेंगे कि इस पर काम किस तरह किया जाता है कैलकुलेटर के ऊपर। उसके बाद है एक्सटर्नल रेफरेंस प्लेटर है, क्लिक करेंगे इस पर तो एक एक्सटर्नल रेफरेंस प्लेटर आपके पास सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग कौन सी ओपन की हुई है और इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर देगा। मटेरियल है, मटेरियल ब्राउजर पे क्लिक करें तो ऑनलाइन आप मटेरियल को ब्राउज कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। ऑफलाइन भी यहाँ पे देखें सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप मटेरियल को सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ग्लास पे क्लिक लिखता हूँ, तो ग्लास से रिलेटेड देखें मेरे पास मटेरियल आ गए। यहाँ पे देखें ग्लास से रिलेटेड मटेरियल आ गए। तो इस मटेरियल का फंक्शन क्या होता है ये भी हम जब काम करेंगे मटेरियल के ऊपर डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस मटेरियल का फंक्शन क्या है। मटेरियल एडिटर है, मटेरियल के ऊपर आपने एडिट करना है कोई काम, कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो आप यहाँ पे मटेरियल आपने अप्लाई कर लिया है, आप उस पर और भी काम करना चाह रहे हो तो आपके पास यहाँ पे मटेरियल एडिटर आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअल स्टाइल है, स्टाइल मैनेजर, ये आपके पास जब आप कोई भी काम करते हो, कोई भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो उसके व्यू पोर्ट्स को सामने लाने के लिए यूज़ किया जाता है, देख सकते हैं। अभी हमारे पास व्यू पोर्ट्स हैं जिसमें आपने यहाँ पे देखें 2D वायर फ्रेम है ऑप्शन है, और यहाँ पे रियलास्टिक्स हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं, तो इनको सामने लाने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको देखें एडवांस रेंडरिंग सेटिंग है, तो रेंडर जब आप करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, आपने कोई भी काम किया उसको 3D आप रेंडर करते हैं, उसमें उसे एनिमेटेड या कैमरा वगैरह लगाते हैं उसको रेंडर करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे एडवांस रेंडर ऑप्शन से आप ये टूल्स आप ला सकते हैं, और इनमें आपको कंप्लीट डिटेल देता है और आपको बताते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को रेंडर किया है किस तरह किया है, कौन सी साइड पे आपने इसको लाइटनिंग वगैरह कहाँ से दिया। तो यहाँ से देखें रेंडर के नीचे आपको लाइट एंड मॉडल पेटर्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो यह आपने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट्स वगैरह अप्लाई करनी है तो आप लाइट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, सन्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो सन प्रॉपर्टी प्लेटर है, और देखें यहाँ से आपको कंप्लीट यहाँ से गाइड आपको मिल जाएगी। स्विच विंडो है, स्विच विंडो में क्या है कि अगर आपने काफ़ी सारी अपने फॉर एग्जाम्पल मैं एक और नई विंडो ओपन करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, नई विंडो ओपन करता हूँ, यहाँ से नई विंडो ओपन हो गई है। अब स्विच विंडो पे क्लिक करता हूँ, देखें दो विंडो ओपन है, ड्राइंग वन एंड ड्राइंग टू, क्लिक करता हूँ ड्राइंग वन पे आ जाऊँगा, ड्राइंग वन में गाइडलाइंस ऐसे हैं मेरे पास, ये देखें ग्रेड लाइंस, और ड्राइंग टू में जाएँ तो ये हमारे पास नई जो ओपन हुई है ड्राइंग टू है, देख सकते हैं। तो ये दोनों विंडो आप यहाँ पे लॉन्च चला सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखें फाइल टैब्स है, क्लिक करेंगे तो फाइल टैब हमारे पास हाइड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे जिसमें आप देखें फाइल वन है, ड्राइंग वन, ड्राइंग टू है, इस पर क्लिक करें तो ये खत्म हो जाएगा, वापस ला सकते हैं। लेआउट टेबल है, तो लेआउट
जो होता है लेआउट, नीचे हमारे पास देखें यहाँ पे लेआउट और मॉडल वगैरह लिखा होता है, तो वो आप देखें लेआउट टैब्स यहाँ पे देखें, आप हाइड करना चाहे हाइड कर सकते हैं, वापस लाना चाहे तो वापस ला सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है लेआउट मॉडल है, लेआउट है, लेआउट टू है, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। टाइल वर्टिकली करते हैं तो दोनों विंडो आपके पास वर्टिकली सामने आ जाएंगी, और टाइल हॉरिजेंटल सॉरी, तो वर्टिकली करते हैं दोनों वर्टिकल आपके सामने आ जाएंगी। तो मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। उसके नीचे बात है कैस्केड, तो कैस्केड में आप देखें आगे पीछे हमारे पास इसका विंडो सामने आपके आ जाएगी, देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका था जी यहाँ पे नो व्यू टैब्स के ऊपर हमने डिस्कस किया। प्लेटर्स में एक और यहाँ पे एक और चीज़ है व्यू, वो क्या है जी वो हम देखते हैं। उसके लिए मैनेज है आई थिंक, ओके यहाँ पे व्यूज, यहाँ पे देखें व्यूज लाइव पे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि हमारे पास देखें व्यू पोर्ट कंट्रीगेशन का ऑप्शन है। आप देखें टू करना चाह रहे हैं, थ्री करना चाह रहे हैं, तो मैं देखें टू वर्टिकल भी क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो व्यू पोर्ट्स आ गए, देख सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं यहाँ पे फोर करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे थ्री है फोर है देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब जितना मर्जी है यहाँ पे आप ला सकते हैं। तो ये हमारे पास व्यू पोर्ट होते हैं हमारे पास, देख सकते हैं। थ्री पे क्लिक करें थ्री आ जाएंगे, एक सामने काम करने वाला है और एक यहाँ पे देखें। अब मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक मैं सॉलिड काम करता हूँ, होम में जाता हूँ, और एक मैं यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। देख सकते हैं, अब इस बॉक्स को यहाँ से मैंने फ्रंट व्यू में देख रहा हूँ, यहाँ से मैं इसी बॉक्स को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से इसको मैं टॉप से देखना चाह रहा हूँ, टॉप से नज़र आएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे इस बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल देखना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं इसे करना चाह रहा हूँ एस सी आइसोमेट्रिक में देखना चाह रहा हूँ, तो देखिए तीनों साइड से आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से इसको मैं देखना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एन डब्ल्यू आइसोमेट्रिक में, तो देखें तो ये काफ़ी सारे देखें हमारे पास नज़र आ रहे हैं आपको हर साइड से। तो जब आप काम करेंगे तो आपको आसानी होगी इसमें काम करने में। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये देखें मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, आर ई सी एंटर करता हूँ, और मैं इस कॉर्नर से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखिए मेरे पास ये ड्रॉअर है, देख सकते हैं। अब इसको एक्सट्रूड करता हूँ मैं, देख सकते हैं एक्सट्रूड हो रहा है, नीचे की तरफ करना चाह रहा हूँ नीचे की तरफ हो जाएगा। देखें तो ये देखें आपके पास कंप्लीट आपको डिटेल बता देते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं इसके व्यूलाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पोर्ट्स हैं, तो सिंगल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिंगल ही नॉर्मल जो होते हैं हमारे पास सिंगल है, तो सिंगल पे आप यहाँ से काम कर सकते हैं। ओके, तो ज्वाइन है क्लिक करता हूँ यहाँ पे ज्वाइन नॉर्मल है, रिस्टोर पे क्लिक करें, रिस्टोर में आपके पास देखें चारों आपके पास आ गए, देख सकते हैं। चारों में क्या है हमारे पास, एक में ये है हमारे पास जी, इसमें आपको दे रहे जी यहाँ पे राइट साइड से दे रहे हैं, और यहाँ से आपको दे रहे जी फ्रंट से दे रहे हैं, और यहाँ से आपको दे रहा है टॉप से, और यहाँ पे आपको एन डब्ल्यू एस मैट्रिक्स में दे रहे हैं, देख सकते हैं। तो आप कोई भी काम करें, फॉर एग्जांपल अब मैंने तो यहाँ पे जो काम किया था इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मूव करता हूँ नीचे की तरफ, देखिए तो यहाँ से भी मूव हुआ है, देख सकते हैं। मैंने गलती से यहाँ पे इसको बहुत यहाँ पे जो है मेरे पास टॉप है, तो मैं इसको देखें यहाँ से क्लिक करता हूँ नीचे इस पॉइंट में लेके आता हूँ, देखें तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि मैं क्या काम करूँ, देख सकते हैं। तो ये चारों साइडों से आपको बता रहा होता है। तो ये था हमारे पास व्यू पोर्ट्स हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त लेसन था। और एस डब्ल्यू एस मैट्रिक में जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो हमने काम किया वो सामने नज़र भी आ रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। और देखें व्यूज हमारे पास विजुलाइज पे यहाँ पे देखें तो लाइट है, शेडो है, सन है, और यहाँ पे आप कैमराज वगैरह देख सकते हैं, और ये रेंडर का ऑप्शन है। तो इनके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।